खोलने का इसने खोलने भी नहीं दिया मेरे को, ऐसे ऐसे पैर मार रहा है और मुझे हटाने की कोशिश कर रहा है, काट भी लेता है मुझे। तो हमने लिया कोकोनट के रेशे से बनी हुई साड़ी, लेट मी शो यू। हम जमीन से 700 फीट ऊपर हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी की वाइंस। तो आज आने वाला एक व्लॉग वीडियो, तो हम कहाँ जा रहे हैं डुगू? चित्तौड़गढ़ फोर्ट। हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट। तो अभी हम बिल्कुल हाईवे के पास से निकल रहे हैं, हैंगिंग ब्रिज के पास से निकल रहे हैं। सो लेट्स सी। गाइज, हम नाश्ता करने के लिए साइड में रुक गए हैं और ये है आज का नाश्ता। तो मैंने अपना नाश्ता कर लिया है और डुगू का भी नाश्ता होने वाला है और मम्मी पापा का बाकी है। कैमरा मेरे हाथ में तो है, सेल्फी स्टिक अभी नहीं चाहिए। तो गाइज, अब हमारा ब्रेक खत्म हो गया है और अब हम वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो गाइज, अब हम पहुंच चुके हैं चित्तौड़गढ़। चलिए चित्तौड़गढ़ फोर्ट चल के मिलते हैं। तो गाइज, अब हम आ चुके हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट। तो मैं आपको पीछे का नजारा दिखाती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर। अभी तक हम टिकट कटवा रहे थे 15 ईयर्स से बड़े लोगों के 40 रुपीज पर हेड है और 15 से छोटी एज के बच्चों का कोई टिकट नहीं कटवाता, और फॉरेनर्स अगर यहाँ पर आते तो उनकी 600 रुपीस पर हेड लगते हैं। तो गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं चित्तौड़गढ़ म्यूजियम और ये हमारे गाइड हैं और इनका कॉस्ट है, ये आपको पूरा घुमा देंगे चित्तौड़गढ़ फोर्ट ओनली 350 रुपीस में। तो अभी यहाँ पर भी टिकट कटाने पड़ते हैं। तो गाइज, ये है चित्तौड़गढ़ फोर्ट का एक छोटा सा मिनिएचर और ये मिनिएचर भी इतना बड़ा है ना। तो गाइज, ये है म्यूजियम जिसमें हम अभी हैं। ये है ग्राउंड फ्लोर और ये है फर्स्ट फ्लोर। था जब भी राजा लोग आते इस किले के अंदर तो उनके ठहरने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो 1906 में राणा फतेह सिंह ने इस पैलेस का निर्माण किया। 1931 में बनकर तैयार हुआ। चित्तौड़ की राजधानी उदयपुर शिफ्ट होने के बाद राजा लोग इस पैलेस को गेस्ट हाउस के रूप में काम लेते। ये पैलेस एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है, लकड़ी से बना हुआ है। जहाँ जिस रास्ते से हम आए हैं ना, वो सब की दिखा रखा है। और एक्चुअली तो ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट की बाउंड्री है। मैंने इसलिए ज़्यादा ध्यान रख रखा है। और अब हम वापस बाहर आ चुके हैं। चलो, मैं फोटो खींचने जा रही हूँ। हमें 5 मिनट का समय लेंगे, कुछ किले की जानकारी आपको देते हैं। तो गाइड ने सिर्फ 5 मिनट्स मांगे थे और फिर 30 मिनट्स की पूरी एक स्टोरी सुना दी। तो गाइज, अगर मैं जो गाइड पूरी स्टोरी बता रहा है, उस पूरी स्टोरी को रिकॉर्ड करके वीडियो में डालूंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आपको खुद ही इधर विजिट करना होगा अगर आपको पूरी डिटेल में स्टोरी जाननी है। तो गाइस, अब हम चित्तौड़गढ़ म्यूजियम से बाहर आ चुके हैं, बोरा चित्तौड़गढ़ म्यूजियम। तो अब हम आगे जा रहे हैं। हुआ है 8वीं शताब्दी, 1200 साल पहले इस मंदिर का नाम था बराह अवतार, विष्णु भगवान के तीसरे अवतार का मंदिर। तो अभी हम
पहले इस वाले मंदिर में जा रहे हैं, मीरा वाले मंदिर में। इस मंदिर के सामने ही ये है एक छोटा सा कुंभ। इधर इनके चरण स्पर्श करके फिर वापस नीचे जाते हैं। अभी जिनके हमने चरण स्पर्श करे यहाँ पर, वो रविदास जी के चरण थे, जिन्हें मीराबाई अपना गुरु मानती थी। ये दूसरा वाला मंदिर है। डुगु कहाँ चुप गया? खोलने भी नहीं दिया मेरे को। इस जगह अलग अलग समय में तीन बार हजारों रानियां और उनकी दासियों ने जौहर किए हैं, क्योंकि जब भी कोई मुगल राजा इस किले पे कब्जा करता था तो अपनी आन बान और शान बचाने के लिए रानियां अपनी जान की आहुति देती थी। और ऐसे ही एक बार एक मुगल राजा ने गुस्से में आकर सभी मंदिर और सभी मूर्तियां डिस्ट्रॉय कर दिए थे, जब उसे ये पता लगा कि सारी रानियां और उनकी दासियां तो पहले ही जल के अपनी जान दे चुकी है। ये जो आप जगह देख रहे हैं, इस जगह का नाम गौमुख है। यहाँ पे शिव जी का एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पर गौ का मुख बना हुआ है, जिसमें से हर समय साफ पानी आता रहता है। जब से ये जगह बनी है तब से लेकर आज तक। अब जो मैंने आपको जगह दिखाई थी जहाँ पर रानियाँ स्नान करती थी, वो बहुत ही गहरा है, 50 फीट गहरा। तो हम वहाँ पर जा रहे हैं। जय माता दी। तिलक करवा लिया है आंटी से। हाँ, मैं सॉक्स खोल दी हूँ। हाँ पकड़ लो। हम जमीन से 700 फीट ऊपर हैं एंड दिस इज द सीन। तो गाइज अब हमने सब कुछ घूम लिया है, हमारा गाइड भी चला गया है। एंड आफ्टर दैट हमने सब कुछ घूमने के बाद हम एक शॉप में भी गए थे जहाँ पर हमारा गाइड लेके गया था हमें। वहाँ पर नेचुरल सारीज एंड रजाइयाँ बनती थी, तो हमने लिए कोकोनट के रेशे से बनी हुई साड़ी। लेट मी शो यू। ये रही वो कोकोनट के रेशे से बनने वाली साड़ी जिसे आदिवासीज ने बनाया है। अब मैं आपको इसकी स्पेशलिटी बताती हूँ। जैसे ही आप इस साड़ी को गीला करेंगे, इसमें से चंदन की खुशबू आती है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं लंच करने के लिए रेस्टोरेंट में। तो गाइस ये मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला, नहीं रेस्टोरेंट में मिला मुझे एक क्यूट सा, इसकी मम्मी भी है, थोड़ी मम्मी इससे बड़ी है। तो मेरे को तो सिर्फ छोटे वाले को उठानी हिम्मत हुई। और पता है ये पैर मार मार के ऐसे ऐसे पैर मार रहा है और मुझे हटाने की कोशिश कर रहा है। काट भी लेता है मुझे, इसलिए तो मैंने उसे पकड़ नहीं रखा। रखो अब, रख दो, हाथ लगा ले, पैर भी तो हाथ लगा सकते। बस 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 लगा ले। तो गाइज अब हो चुकी है शाम और अब वापस हम अपने घर जा रहे हैं। तो गाइज अब हम आ चुके हैं अपने होम टाउन और हम किसी अननोन रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। हमने बस देखा यहाँ पर डोसा मिल रहा है तो हम यहाँ पर बैठ गए। दुगु थक चुका है। गाइज हम घर पर आ चुके हैं। देखो मैं, आप देख लो अगर मैं अभी भी नए कपड़े में, क्यों क्यों ना मैं मम्मी से केला, बाय बाय।